दीदी शिवम शर्मा, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो हम कर चुके थे मेथड ओवरलोडिंग। दिस इज द वीडियो ऑन डायनामिक डिस्पैच। इट इज द टाइप ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यस, अब ये रियल एक्चुअल में कि मतलब बताएगा हाउ रनिंग टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ये चीज थी यहाँ पे एनिमल एल न्यू, फिर एल डॉट साउंड कर रहा था, डॉग डॉट साउंड, सिटी, तो मतलब ये हर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है मेरे को, फिर उसके बाद इनको उसके हिसाब से कॉल कर रहा हूँ। यार वो तो मैं मेथड भी अलग अलग बना देता तो भी कॉल कर सकता था, बट इट इज नॉट लाइक दैट। तो मैं क्या होगा, रन टाइम पे मैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग रन टाइम पे किस मेथड को रन करवाना है या कॉल करना है वो चूज कर सके। ठीक है, दिस इज दी मेथड या डायनामिक डिस्पैच मेथड। ठीक है, ओके तो सिंपल इसी में करके दिखाऊं या नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में अलग से दिखाता हूँ। ठीक ग्रेट, ये मैंने बना रखी थी ऑलरेडी क्लास, इसी में करेंगे चर्चा। अपनी चर्चा क्या रहेगी, मैं बनाऊंगा क्लास बाइक वाला एग्जाम्पल जो दिया था आपको। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हो जाएगा ना फिर, क्लास बाइक, क्लास पल्सर। फ्रेंड्स किसको कर लेगी, बाइक को। ठीक है, और एक और क्लास आरी बना देते हैं, क्लास आरी, दैट इज द रॉयल इनफील्ड। स्टेंट्स किसे करेगी, हमारी बाइक को। सेम, वो जो हमें करना ही है साउंड इसकी निकलवानी है। साउंड के लिए क्या करेंगे, हम मेथड लेते हैं पब्लिक वॉइड साउंड। साउंड क्या रहेगी, जल्दी बोलो, बाइक की साउंड है ना, बाइक की साउंड। सारी अलग अलग होने वाली है, यानी कि ओवरराइडिंग तो यहाँ लगने वाली है। ठीक है, ओवरराइडिंग लगने वाली है। ठीक है भाई, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। अब ये पल्सर की साउंड है तो हमारे को ये क्या आ जाएगी, पल्सर की साउंड। यहाँ किसकी आ जाएगी, आरी रॉयल इनफील्ड की साउंड। ठीक है, तो आरी पसंद है किसको, पल्सर, कमेंट कर देना यार। चलो यहाँ पे था, अब क्या किया, सेव करके रन करूंगा, कुछ नहीं देगा, ना एरर देगा ना कुछ, ओवरराइडिंग हो रही है बट हमें भी ना कॉल कर रहे ना कुछ, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने ये बना रखी है कॉलिंग क्लास, हम करेंगे चर्चा अपनी सारी। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ जो हम बना रहे थे ना ओवरराइडिंग में कुछ इस प्रकार, अब हम इस प्रकार नहीं करेंगे, रन टाइम पे हम खुद करेंगे एडजस्ट या अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे कौन से रेफरेंस में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए। तो एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्या करूंगा, बाइक बी, अब मैंने एक बाइक का बी रेफरेंस यहाँ पे बना लिया है, इसमें अब मैं अपने अकॉर्डिंग वैल्यू डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बी इक्वल्स टू, मेरे को चाहिए बाइक कौन सी, पल्सर, तो बी इक्वल्स टू न्यू पल्सर ऐसे बनाऊंगा और बी डॉट शो कर सकता हूँ। बी डॉट साउंड था ना हमारा, सॉरी। तो ये जो यहां हो रहा है इसको भी गायब कर सकते हो। अब देखो क्या पल्सर की साउंड आ गई, बाइक की साउंड चाहिए होगी तो यहां बाइक कर दूंगा। बाइक की साउंड और आरी की चाहिए तो यहां पे हमने क्या कर देना है, आरी रॉयल इनफील्ड की साउंड। ये हमारा होता है मेथड डायनामिक डिस्पैच। ठीक है, अब इसको थोड़ा और इजी टू कर सकते थे आप, क्यों करके ये हो जाएगा, यहाँ पे रेफरेंस बन के डल जाता। ठीक है, या और क्या कर सकते हैं, तो समझ लो बोले नहीं हमें मजा नहीं आया, थोड़ा और मतलब डीप में बताता हूँ मैं। ठीक
बिल्कुल आसान शब्दों में या भाषा में बोलो, आरी आर इक्वल्स टू न्यू आरी, ठीक है, और पल्सर का बना देते हैं पल्सर एल इक्वल्स टू न्यू पल्सर, ठीक है, ग्रेट। ये देखो दो बाइकें हो गई। अब ये देखो यहां पे क्या सीन है, ये हो गया मेरे दोनों ऑब्जेक्ट बना दिए, बाइक का भी बना दिया, ठीक है, बी बी अभी कोई साउंड नहीं देगा, एरर भी देगा, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, न्यू बाइक कर दूंगा, तो ये भी मेरा रहेगा यहाँ पे, देखते जाना। अभी बाइक की साउंड आ रही है, सेम ये बी डॉट साउंड अभी मेरे को आरी की प्रिंट करवा के दिखाया, देखो कैसे, बी इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा आर, देख लो कुछ चेंज किया, रॉयल इनफील्ड की साउंड आ गई। सेम अब जैसे मैं इसमें पीएल डाल दूंगा मेरे को पल्सर की साउंड देगा, दैट इज द एक्चुअल मेथड डायनामिक डिस्पैच या डायनामिक डिस्पैच मेथड, ठीक है। तो हम रन टाइम के सिर्फ इस लाइन से रन टाइम रनिंग के टाइम, ठीक है, कोड के क्या चूज कर पा रहे हैं, कौन सा मेथड आना चाहिए, तो पल्सर का आएगा या आरी का आएगा, ये कॉन्सेप्ट था हमारा डायनामिक डिस्पैच, ठीक है। दिस इज द डायनामिक डिस्पैच मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, हैव अ गुड डे, राम राम।